छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा 3 दिसंबर को हुई थी। इसके बाद से ही सीएम पद को लेकर कयासों का दौर तेज हो गया था। सीएम रेस में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, सरोज पांडे, मनमोहन अग्रवाल जैसे कई कद्दावर नेता शामिल थे, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने बड़ा दाव चला है। राज्य में आदिवासी चेहरा रहे विष्णु देव साय को छत्तीसगढ़ का सीएम बनाने का ऐलान कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है विष्णु देव साय, इन्हें सीएम बनाने के पीछे बीजेपी की क्या है रणनीति। कौन है विष्णु देव साय? विष्णुदेव साय का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में जसपुर जिले के बगिया गांव के किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है। साय छत्तीसगढ़ के कुनकुरी विधानसभा से आते हैं। राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे अधिक है और साय इसी समुदाय से आते हैं। अजीत जोगी के बाद छत्तीसगढ़ में कोई भी दूसरा आदिवासी मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बन सका है। यही वजह है कि चुनाव जीतने के बाद चर्चा थी कि बीजेपी किसी आदिवासी चेहरे पर दांव लगा सकती है, और हुआ भी ऐसा ही है। विष्णुदेव साय 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में एक आदिवासी चेहरे के रूप में मैदान में उतारा था और बीजेपी उसमें सफल भी हुई थी। यही नहीं, राय की गिनती संघ के करीबी नेताओं में भी होती है। वह रमन सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। साल 1999 से 2014 तक वह रायगढ़ के सांसद रहे हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साय को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, जिसके बाद इन्होंने संगठन पद से इस्तीफा दे दिया था। विष्णुदेव साय का राजनीतिक सफर 1990 से शुरू हुआ था। वह 1990 से 1998 तक संयुक्त मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक रहे। साय ने 4 बार लोकसभा चुनाव भी जीता है। 1999 से 2019 तक सांसद रहे, जबकि 2014 से 2019 तक वो केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। विधायक के तौर पर यह उनका तीसरा कार्यकाल है। साय को 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था, जिसकी वजह से वह चुनाव नहीं लड़ पाए थे। विष्णुदेव साय के पास राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों अनुभव हैं। विष्णुदेव साय रायगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं और केंद्रीय राजनीति का भी उनके पास अनुभव है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा वह बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। साय के पास राजनीति का लंबा अनुभव है। छत्तीसगढ़ के गठन से पहले वह संयुक्त मध्य प्रदेश विधानसभा में भी विधायक रहे हैं। विष्णुदेव साय जसपुर जिले के कुनकुरी से विधायक निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को इस चुनाव में 25,541 वोटों के अंतर से हराया है। विष्णुदेव साय को सीएम बनाने के पीछे क्या है बीजेपी की सोच? बीजेपी ने विष्णुदेव साय को लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक रणनीति के तहत सीएम बनाया है। राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे अधिक है। करीब यहां 80 लाख से ज़्यादा वोटर हैं। करीब यहां 80 लाख आदिवासी समुदाय की आबादी है। ये कुल आबादी का 30% है। ऐसे में साय को सीएम बनाकर बीजेपी इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान जब अमित शाह साय के लिए चुनाव प्रचार करने पहुँचे थे तो उन्होंने मंच से कहा था कि आप लोग सिर्फ साय को विधानसभा पहुँचाएं, हम इन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। साय के इस बयान के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि साय ही छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दर्ज की है प्रचंड जीत। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है। चुनाव के दौरान ऐसा लग नहीं रहा था कि बीजेपी यहां सरकार बना पाएगी, लेकिन बीजेपी ने राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 54 पर जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया है, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 35 सीटें ही आई हैं और एक सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो ये थी छत्तीसगढ़ के सीएम चुने गए विष्णुदेव साय से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप विष्णुदेव साय को सीएम बनाए जाने पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।